हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल मास्टर माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी मैथ 10th प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो आज वास्तविक संख्या में हम क्वेश्चन संख्या 2 का हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 2 का हल करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या कहता क्या है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब हम दूसरी संख्या पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर्स। तो क्या कहता है कि शून्य और प्राकृत संख्या के परिवार को मिलाने से जो संख्या का परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एक शब्द यहाँ पर आता है परिवार। परिवार होता क्या है, जैसे किसी व्यक्ति के पास एक परिवार है 5 आदमी का। अगर उस परिवार में एक नया सदस्य सम्मिलित हो जाता है तो वह एक नया परिवार बनता है जो 6 आदमी का। तो ये हमारा प्राकृत संख्या के परिवार में इसमें शून्य को हम सम्मिलित कर देते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, अर्थात पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर्स। कहता है कि शून्य और प्राकृत संख्या के धनात्मक और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिलाने से जो संख्या का परिवार बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है प्राकृत संख्या का धनात्मक। और ये कहलाता है प्राकृत संख्या का ऋणात्मक। और उसमें हम जब शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो ये हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है, अर्थात पूर्णांक संख्या 0 से प्लस की ओर गिनती करते हैं और 0 से माइनस की ओर गिनती करते हैं। अब हम विषम संख्या के बारे में जानेंगे। क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5 डॉट। अब हम इन संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम क्वेश्चन संख्या 2 का हल करेंगे। तो देखते हैं, अब हम क्वेश्चन संख्या 2 को हम पढ़ते हैं। क्या कहता है, दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब होता है दिखाना, सिद्ध करना। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हम धनात्मक विषम पूर्णांक के भी बारे में जानेंगे। तो कहता क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक इंटीजर है अर्थात पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में हमको कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये पूर्णांक संख्या में ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो धनात्मक पूर्णांक में हमको लेना है विषम। तो धनात्मक पूर्णांक में ये हमारा ये धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाता है। तो कहता क्या है कि आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं तो उसका जो रूप होगा 6
क्यू प्लस वन के रूप में होगा, जहां क्यू के पैलेस पर कोई एक पूर्णांक संख्या आएगा। तो जैसे हम लेते हैं सात, सात क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, सात जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और इसका हम रूप देखते हैं तो हम पाते हैं छः क्यू प्लस वन, जहां जहां क्यू के पैलेस पर वन आ चुका है। तो हमने क्या देखा कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक सात है उसका रूप छः क्यू प्लस वन के फॉर्म में आता है, जहां आप बोल सकते हैं वन, जहां क्यू के पैलेस पर वन है। इसी प्रकार हम नौ को लेते हैं, नौ भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका रूप देखते हैं तो छः गुना वन प्लस थ्री, जहां क्यू के पैलेस पर वन आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये छः क्यू प्लस थ्री के फॉर्म में आता है। इसी प्रकार हम 11 को लेते हैं, क्योंकि 11 भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका रूप हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर क्यू के पैलेस पर पंच आ चुका है, अर्थात छः क्यू प्लस फाइव। तो हम क्या देखते हैं कि सत्य बात है कि अगर आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं तो उसका जो रूप होगा छः क्यू प्लस वन या छः क्यू प्लस थ्री या छः क्यू प्लस फाइव के रूप में होगा, जहां क्यू के पैलेस पर कोई एक पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर आएगा। और हम देखते क्या है कि ये जो रूप है, यहाँ पर ये सात भाज्य का काम कर रहा है, यहाँ पर बी का काम और वन क्यू का और शेष वन। तो इससे ये पता होता है कि यहाँ पर बी का जो रूप है छ के रूप का है। तो इसको हम सोल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अब हमको ये पता नहीं है कि आखिर वह कौन सा धनात्मक पूर्णांक है जिसका रूप छ क्यू प्लस वन या छ क्यू प्लस थ्री या छ क्यू प्लस फाइव के रूप का होगा। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। हम मान लेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और बी बराबर सिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने धनात्मक विषम पूर्णांक को सात लिया तो हमने देखा कि बी के पैलेस पर सिक्स है। फिर हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेते हैं नौ, तो हम क्या पाते हैं कि बी के पैलेस पर सिक्स है, इसलिए बी बराबर हम सिक्स लेते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जीरो या जीरो से बड़ा, बी से छोटा। अब हम क्या काम करेंगे, ए के पैलेस पर ए ही आएगा, बी के पैलेस पर सिक्स, क्यू के पैलेस पर क्यू और आर के पैलेस पर आर। इसका ये मीनिंग होता है कि आप ए में छः से भाग देते हैं भागफल क्यू और शेष फल आर आपको प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि आर का जो मान होता है भाजक से छोटा, अर्थात छः से छोटा एक पूर्णांक संख्या आएगा, तो जहां यहां आर का मान जीरो एक दो तीन चार पांच तक होगा। अब हम क्या काम करेंगे, ये कहें कि आर के पैलेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे अब आर बराबर जीरो, समीकरण वन में रखने का। देयरफॉर इसीलिए ए बराबर सिक्स क्यू प्लस जीरो, जीरो को नहीं लिखा जाता है। अब आर बराबर वन, ए कहें कि समीकरण वन में आर का वैल्यू हम डालेंगे, तो ए इक्वल सिक्स क्यू प्लस वन। अब आर बराबर टू, तो हम पाते हैं ए
बराबर 6 क्यूब प्लस 2, आर बराबर 3, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3, आर बराबर 4, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, आर बराबर 5। इसीलिए a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। तो हम जानते हैं कि यहां पर क्या है, q एक पूर्ण संख्या है। तो जब हम q के पहले पर पूर्ण संख्या डालते हैं तो a का वैल्यू सम प्राप्त होता है। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये हमारा सम देगा। ये हमारा जब q के पहले पर कोई भी पूर्ण संख्या डालेंगे तो यह विषम देगा। यहाँ पर क्यू के पहले पर पूर्ण संख्या डालेंगे तो ए का मान सम संख्या आएगा। यहाँ पर क्यू का वैल्यू पूर्ण संख्या डालेंगे तो विषम आएगा। यहाँ पर क्यू का वैल्यू पूर्ण संख्या डालेंगे तो ए का वैल्यू सम संख्या आएगा। और यहाँ पर जब हम क्यू का वैल्यू पूर्ण संख्या डालेंगे तो ए का वैल्यू विषम संख्या आएगा। तो हमको क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम पाते क्या है कि आर बराबर जीरो के लिए सम मिलता है, r बराबर 2 के लिए सम मिलता है, r बराबर 4 के लिए सम मिलता है। तो r के किन किन मानों के लिए विषम मिलता है, तो r बराबर 1 के लिए विषम मिलेगा, r बराबर 3 के लिए विषम मिलेगा और r बराबर 5 के लिए विषम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं अतः r बराबर 1, 3, 5 के लिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।